इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कि इस तरीके से आप आपके रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर डिस्प्ले यूज कर सकते हो और उसका बेनिफिट आपके रेस्टोरेंट के लिए क्या होगा और आपके कस्टमर्स के लिए क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस तरीके से आप कस्टमर डिस्प्ले आपके रेस्टोरेंट के जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है आपका टीएम बिल, जो रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर आपका टीएम बिल यूज हो रहा है, उसी के अंदर आप कस्टमर डिस्प्ले किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप टीएम बिल सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो हमारी ओर से आपको एक टीएम बिल का कस्टमर डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यही सिस्टम के ऊपर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप दूसरे सिस्टम पे भी इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर इसी सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया आपने तो आप एक्सटेंडेड डिस्प्ले लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? एक्सटेंडेड डिस्प्ले लगा सकते हो। और अगर आपके पास टच स्क्रीन डिवाइस है तो टच स्क्रीन डिवाइस के ऊपर आपको ये क्या दिखाई देंगी? स्क्रीन दिखाई देंगी। अगर आपका जो मैनेजर है वो बिलिंग कर रहा है टेबल नंबर 6 के ऊपर, जो भी बिलिंग कर रहा है तो उसी वक्त आपके जो कस्टमर सामने आपके काउंटर पे खड़ा हुआ है तो उसको यहाँ पे दिखाई देगा क्या क्या चीजें उसने ऑर्डर की थी और उसका अमाउंट कितना है, और वो ये QR कोड को स्कैन करके अमाउंट पे कर सकता है। जैसे ये QR कोड को स्कैन करेगा तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे हम लोग कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। यहाँ से मान लो कि मैंने कुछ KOT प्लेस कर दी है, बिल भी प्रिंट करवा दिया है। जैसे ही मैंने बिल यहाँ से प्रिंट करवा दिया तो यहाँ पे आपके कस्टमर्स को दिखाई दे रहा है आपको कन्नू की चाय और टोटल अमाउंट कितनी है 2 rupees। अब एज अ कस्टमर मैं इसको पे करता हूँ, ये मुझे कहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक बड़े स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है या फिर एक्सटेंडेड डिस्प्ले के ऊपर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप अलग से डिस्प्ले लगाकर आप क्या कर सकते हो? इस स्क्रीन को बता सकते हो। या फिर अगर आपके पास टच स्क्रीन डिवाइस है, उसी टच स्क्रीन डिवाइस के अंदर अगर आपके पास क्या है? एक्स्ट्रा डिस्प्ले है, तो वहां पे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब मैं ये QR कोड को स्कैन करता हूं और ये अमाउंट मैं पे करता हूं। आपका कस्टमर ये QR कोड किसी भी UPI एप्लीकेशन से स्कैन कर सकता है। जैसे मैं अमाउंट यहां से पे करता हूं तो देखिए क्या होगा। अब अमाउंट मैंने यहां से पे कर दी है। एज अ कस्टमर आपको क्या हो रहा है? देखो यहां पे दिखाई देगा, कहां पे नोटिफिकेशन आ रहा है? बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, अमाउंट कितने है 2, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको। एज अ कस्टमर क्या हुआ है? बिल नंबर 2, अमाउंट कितनी है 2, है ना। और टेबल नंबर यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कौन से टेबल पे उसने ऑर्डर, कौन से टेबल की ऑर्डर उसने पे किए। तो जो कस्टमर ने आपको यहां से पे किया है तो यहां पे कैशियर को यहां पे दिखाई दे रहा है। मैं यहां से क्या कर सकता हूं? सेटल कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैं बिल सेटल करता हूं तो ऑर्डर वो सेटल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो अपकमिंग ऑफर से आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? कस्टमाइज इमेजेस लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 3 इमेजेस बतानी है, 1 इमेज बतानी है या फिर 2 इमेजेस बतानी है, आपकी कस्टमाइज इमेज आपको यहाँ पे बतानी है तो आप यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। 3 इमेज बतानी है तो आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से 3 इमेज बता सकते हो। 1 इमेज बतानी है तो आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से 1 इमेज बता सकते हो। यहाँ पे इसकी साइजेस भी दी है ना। और ये जो यहाँ पे ऑफर का टैग दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इस तरीके से आप आपके रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर डिस्प्ले लगा सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने हमारे YouTube चैनल पे अपलोड की है, आप वहां पे जाकर आप देख सकते हो। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।